नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं SAN 24। नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर। रायगढ़ के रक्षित केंद्र उदना में पुलिस वालों के लिए आवास गृह का उद्घाटन हुआ। वहीं इस आवास गृह का उद्घाटन रायगढ़ विधायक रोशन लाल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने पूजा पाठ करके पूरे रीति रिवाज के साथ किया। इस अवसर पर एडिशनल SP हरीश राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत सभी थानों के TI और काफी संख्या में पुलिस के स्टाफ और उनके परिवार जन मौजूद रहे। रायगढ़ के रक्षित केंद्र उर्दना में पुलिस वालों के लिए आवास गृह का उद्घाटन हुआ। आवास गृह का उद्घाटन रायगढ़ विधायक रोशन लाल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने पूजा पाठ कर पूरे रीति रिवाज के साथ किया। इस अवसर पर एडिशनल SP हरीश राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत सभी थानों के TI और काफी संख्या में पुलिस के स्टाफ और उनके परिवार जन मौजूद थे। पुलिस आवास गृह का शिलान्यास डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने बीते दिनों धर्मजयगढ़ में हुए विकास यात्रा के दौरान किया था, जिसका उद्घाटन किया गया। जहां अभी 2 बिल्डिंगें बनी हैं और भी आवास अभी रायगढ़ जिले में बनने हैं, जिसके लिए जमीन का सर्वे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस आवास गृह बनेंगे, जिसका लाभ रायगढ़ के पुलिस वालों को मिल पाएगा। जो रायगढ़ की पुलिस लोगों की सुरक्षा करती है, पर उनको और उनके परिवार वालों को काफी जर्जर हालत के आवास गृह में रहना पड़ता है, जिसके कारण कभी भी कोई दुर्घटना का डर उन्हें और उनके परिवार वालों को हमेशा बना रहता है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए रायगढ़ के पुलिस कप्तान ने शासन से नए आवास गृह की मांग की थी, जिसे शासन ने मान लिया। वहीं जिन पुलिस वालों को नया आवास गृह मिला, उनके चेहरों पर खुशी देखते बन रही थी। अपनी खुशी का इजहार कई पुलिस वालों ने मिठाई बांटकर भी किया और शासन प्रशासन और पुलिस कप्तान को दिल से धन्यवाद दिया। बताएंगे आज आपको नया भवन मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत खुशी मिल रही है। तो परिवार बच्चे लोग मतलब सिटी बाहर किराया में जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कम से कम पुलिस परिवार है वो कैंपस में रहेंगे, तो मतलब जो बाहर जा रहे हैं वो डर नहीं रहेगा कि यहाँ किराया में है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा दी जाएंगी और किस प्रकार के इन लोगों की बाकी बसाहट और तेज की जाएगी सर? बिल्कुल, हमारे यहाँ खास करके रायगढ़ जिले में मैंने देखा है पुलिस के लिए क्वार्टर की बहुत बड़ी समस्या आवास की, और जैसे यहाँ पे 32 क्वार्टर का आज गृह प्रवेश हो रहा है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मजयगढ़ में जब उनका अटल विकास यात्रा तब उन्होंने किया था, तो 32 के लिए हमारे पास लगभग 150 से लगभग 200 के बीच में आवेदन प्राप्त हुए थे। हम लोगों ने प्राथमिकता उन लोगों को दिया है जो पूर्व में पूर्व से ही कंडेम क्वार्टर में रहे हैं कोतवाली क्षेत्र में, या जो गंभीर समय से 2007-08 की भर्ती है उनको आज तक क्वार्टर नहीं मिला है। प्राथमिकता उनको दिया जा करके उनको आवंटित किया गया है। भविष्य में 132 क्वार्टर और बनने के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी है वहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, शीघ्र ही उसके लिए जमीन प्रशासन से उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी और उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। सर, पुलिस थाने के पास भी काफ़ी जर्जर क्वार्टर को तोड़ के नया बनाया जाए, क्या योजना है वहाँ? जो कोतवाली पुलिस है उसके भवन भी काफ़ी जर्जर है, और हमें अभी ऑलरेडी आवंटन प्राप्त हो चुका है नए कोतवाली भवन के लिए, जिसका छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा, और चूँकि वहाँ के सभी क्वार्टर में रहने वाले लोगों को अभी यहाँ पर क्वार्टर आवंटन कर दिया जा चुका है, तो उन क्वार्टरों को कंडेम घोषित किया जा करके उसके ऊपर उनको खाली करवा करके वहाँ पर और आवास अगर बन सकते हैं तो उसके लिए प्रयास किया जाए। भविष्य में सर जिस प्रकार की आवास की समस्या देखी जा रही है उनको पूरा करने का लक्ष्य है? हाँ, जैसे मैंने बताया अभी कि अभी 132 क्वार्टर्स और के लिए हमारा लक्ष्य है, किसी हिस्से से उसका बजट आवंटन जिसे मिला है वो भूमि हमें मिल जाए तो उसका भी काम शुरू कर लिया जाएगा, और इससे पूर्व कुछ दिनों पहले ही 16 क्वार्टर और NGO के लिए ASI सब इंस्पेक्टर TI के लिए आवंटन मिला था, जिसका लोकार्पण भी हो चुका। मेरा नाम मिसेस आशा निक्का। आपको नया क्वार्टर मिला है आज, कैसा लग रहा है और कितने परेशानी में रहते थे आप लोग? सर, हम लोग बहुत परेशानी में रहते थे, वहाँ का क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा खंडर जैसे हो गया था, मतलब रहने लायक नहीं था, हम लोग उसको ना बना के रहते थे। हमें बहुत खुशी हो रही कि हम लोग शासन अपने मतलब सबको क्वार्टर दिया, फैसिलिटी दिया, सुविधा दिया, बहुत ही मतलब खुश हो रही है, अंदर से बहुत खुशी फीलिंग हो रही है। अब नया मकान में दिवाली बनेगी आपको? हाँ, 10,000 दिवाली जो भी हम लोग खुश है, जब यहाँ है नया नया फ्लैट सब है, पानी सुविधा सब चीज़ है, मतलब सब बहुत खुश है। नई सुविधा है, नए मकान। हाँ, थैंक यू। लंबे समय बाद क्वार्टर मिला है, नए क्वार्टर अलाट किए गए हैं, क्या कह रहे हैं? 32 क्वार्टर बने हैं, 2,29,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उसके आधार पे जमीन उपलब्ध करवा करके क्वार्टर बने हैं। भविष्य में अन्य स्थानों पर भी 132 क्वार्टर उपलब्ध होंगे,
पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन काम में लगा है कि नजूल विभाग के माध्यम से जल्दी जमीन आवंटन हो जाए तो राज्य सरकार से पर्याप्त मात्रा में आवंटन मिल जाएगा। पूरे प्रदेश में डीएम अवस्थी साहब जो पूर्व में हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, अभी आईजी हैं, उनकी क्या मैं पुलिस हाउसिंग बोर्ड का दायित्व दिया गया था और उनके पूरे कार्यकाल में पूरे प्रदेश में पुलिस को काफ़ी सुविधा हाउसिंग की प्राप्त हुई। थैंक यू। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।